तो कहा रुक्मणी ने, सुनिए तालियों का साथ देके बोलो, रुक्मणी ने पंडित जी से कहा कि मैंने सपने में श्याम को कुछ कहा वो कमरी बोली सुनो को श्याम तक पहुंचा सकते हैं। पंडित जी ने कहा रुक्मणी थोड़ी दूर की बात होती तो पत्र पहुंचा देता, द्वारका यहां से 750 कोस दूर है, क्षमा करना मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। रुक्मणी बोली अगर आप नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगी मगर शिशुपाल की दुल्हन बनकर नहीं जाऊंगी। तो पंडित जी ने कहा पत्र लिखो, मैं तुम्हारा पत्र श्याम तक जरूर पहुंचाऊंगा। रुक्मणी ने पत्र लिखा, पंडित जी को दिया। पंडित जी उस पत्र को लेकर के द्वारिका में पहुंचे और वहां से भगवान कन्हैया को साथ में लिया और ये पंडित जी कुंदनपुर में जाकर के पहुंचे। भगवान कन्हैया ने कहा पंडित जी शिशुपाल आ गया था। बोले हाँ। कितनी सेना लेके आया? बोले 11 छोड़ी लेके आया है। कन्हैया बोले तुमने गजब कर दिया। क्यों? वो 11 छोड़ी सेना लेके आया है, मैं अकेला आया हूं, इतनी सारी सेना का सामना कैसे करूंगा।